Welcome you all to the Lahore School System, Sadiqabad. alaikum, dear class 4. I hope you have uh, learned your previous lesson. That was the uh, words meaning and question answers of 3rd unit's situations. First topic, Atif and the baby. Today we are going to learn, uh, we are going to read 2nd topic of uh, unit 3rd. द सेकेंड टॉपिक नेम इज़ द्लास विज़िट्स द ज़ू एंड द पेज नंबर इज़ सेवेंटीन आतिफ विज़िट्स द ज़ू आतिफ सैर के लिए जाता है द़ चिड़ियाघर की विद हीज़ क्लास फेलोज़ अपने क्लास फेलोज़ के साथ अपने क्लास के साथियों के साथ द टीचर एंड टीचर और टीचर के साथ आतिफ ने अपने क्लास फेलोज़ अपने क्लास के साथियों और टीचर के साथ चिड़ियाघर की सैर की आतिफ आतिफ ने कहा हेयर इज़ द लाइंस केज यहाँ पे शेर का पिंजरा है केज पिंजरा लाइन्स शेर का आई थिंक ही इज़ हंगरी मेरा ख्याल है आई थिंक मेरा ख्याल है ही इज़ हंगरी वो भूखा है शेर भूखा है वट डज़ ही ईट वट क्या डज ही ईट वो खाता है मिस टीचर से पूछा कि वो क्या खाता है मिस राशिदा मिस राशिदा ने कहा ही ईट्स मीट वो गोश्त खाता है आदिल अब आदिल ने कहा एंड हेयर आर द मंकीज़ और यहाँ पे हैं बंदर आई लाइक मंकीज़ मुझे बंदर पसंद हैं मे आई गिव दम बनानास क्या मैं उनको केले खिला सकता हूँ दे सकता हूँ मिस राशिदा मिस राशिदा ने कहा रीड दैट नोटिस उस नोटिस को पढ़िए नेक्स्ट टू द केज जो कि के पिंजरे के सामने है जो कि पिंजरे पर लगा हुआ नोटिस uh, मतलब कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़िए वट डज इट से ये क्या कहता है मतलब उस नोटिस के ऊपर क्या लिखा है आदिल इज रीडिंग आदिल आदिल पढ़ रहा है आदिल अब आदिल ने कहा डोंट फीड द एनिमल्स मत खिलाएं जानवरों को ओ नो ओ नो जाहिद अब जाहिद ने कहा लुक एट द स्ट्रेंज एनिमल उस अजीब जानवर को देखो इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग नेक इसकी बहुत लंबी गर्दन है मिस राशिदा मिस राशिदा ने कहा दैट इज़ द ज़राफ़ वो ज़राफ़ा है जाहिद जाहिद जारा जारा ने कहा एंड लुक एट द फनी हॉर्स उस उस मज़ाहिया घोड़े को देखो आदिल दैट इज़ नॉट अ हॉर्स वो घोड़ा नहीं है इट इज़ अ जेबरा ये जेबरा है बीना बीना ने कहा मिस मे वी सी द क्रोकोडाइल क्या हम मगरमच्छ को देख सकते हैं मिस राशिदा मिस राशिदा ने कहा वी आर गोइंग देयर हम वहाँ जा रहे हैं देयर वहाँ ही इज वो है बाय द वाटर पानी के अंदर वहाँ वो पानी के अंदर है आतिफ आतिफ ने कहा ही हैज़ अ लॉट ऑफ टीथ उसके बहुत ज्यादा दांत हैं अलाट ऑफ बहुत ज्यादा टीथ दांत बहुत ज्यादा दांत हैं अच्छा यहाँ पे एक बात है कि टीथ बहुत ज्यादा दांत मतलब ज्यादा दांतों को प्लुरल दा, एक दांत की प्लुरल क्या है टीथ और एक दांत है टूथ टी o टी एच टूथ एक दांत और टीथ ज्यादा दांत एक से ज्यादा बीना बीना ने कहा आतिफ लुक आतिफ देखो देर आर बेबी क्रोकोडाइल्स टू वहाँ पर मगरमच्छ के बच्चे भी हैं टू टी डब्लो टू भी आल्सो भी टी डब्लो टू भी टी डब्ल्यू ओ टू मतलब आ, टी डब्ल्यू ओ टू मतलब दो ठीक है एंड टी ओ प्रपोजिशन है इसका मतलब है को यहाँ पर टी डबल ओ है इसका मतलब भी मिस राशिदा मिस राशिदा ने कहा डोंट गो नियर द क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ के करीब मत जाओ दे आर डेंजरस वो ख़तरनाक हैं जाहिद जाहिद ने कहा था जू कीपर निगरान जो अ, अ, जो चिड़ियाघर की निगरानी करने वाला है जो जानवरों की देखभाल करने वाला है वो जू कीपर इस कमिंग वो आ रहा है टू फीड खिलाने के लिए द एनिमल्स जानवरों को जाहिद ने कहा निगरान जानवरों को खिलाने आ रहा है आदिल आदिल ने कहा आई एम हंग्री मुझे भूख लगी है मे वी हैव लंच टू क्या हम भी लंच कर लें लंच मतलब दोपहर का खाना क्या हम भी लंच कर लें मिस राशिदा मिस राशिदा ने कहा यस yes, कोर्स हाँ यकीन लेट्स हैव लंच आओ लंच करते हैं लेट्स आओ आओ चलते हैं हैव लंच लंच करते हैं दोपहर का खाना खाते हैं ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता सुबह में जब जो कुछ भी खाया जाता है वो नाश्ता ब्रेकफास्ट और लंच जो दोपहर में खाना खाते हैं और डिनर जो रात में खाना खाया जाता है उसको डिनर कहते हैं इसके अलावा जो सुबह और दोपहर के दरम्यान में खाते हैं वो ब्रंच मतलब हल्का फुल्का कुछ भी खा लेना और दोपहर और शाम के रात के दरमियान में जो शाम में कुछ भी खाते हैं वो चाय के साथ स्नैक्स हो सकते हैं वो कोई भी खाना हो सकता है अगर किसी को भूख लगी तो उसको कहेंगे सब